जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस संत समागम में गद्दी रसी सदगुरु निरंजन दास जी महाराज, ओम के सहित संत रामानंद जी महाराज, आज इस समागम में पहुंचे सभी संगत जी, चमार जाति के कुल गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कवि, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, परम पूजनीय बाबा साहब, मेरे आदर्श साहब काशीराम, उन सबको नमन करते हुए जो मैं कहना चाहता हूँ, उम्मीद करूंगा कि यहाँ पहुंची सभी संगत, मेरी माताएं बहने, हमारे बुजुर्ग, सभी साधु संत, मेरे युवा साथी उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपको आवाज आ रही है वहां आखिरी में? हाथ उठा के बताओ कहां तक आवाज आ रही है। बहुत अच्छी बात। देखिए ये संत समागम है और आप यहां चलकर आए, अगर आप यहां से खाली हाथ जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप यहां पहुंचे हैं तो सब चीजें छोड़ के जो संतों द्वारा वाणियां यहां गाई जा रही है, आप लोगों को जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा यहां बताया जा रहा है जीवन जीने के लिए, तो उसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। मैं यहां पहुंचा और मुझे यहां बोलने का मौका मिला, इसके लिए जो है मैं गुरु जी मनदीप जी का और यहाँ की कमेटी का सभी का धन्यवाद करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि रविदास जी कौन का झंडा जो है वो पूरी दुनिया में फैले, बुलंद हो। सदगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चैलेंज किया और ये साबित किया कि हम किसी भी फील्ड में, किसी भी राह में कमजोर नहीं है, हम ईमानदार भी हैं, हम संघर्षशील भी हैं, भक्ति की भावना भी हम किसी पीछे नहीं है। और उस समय भी अपना एकमात्र गुरु जी ने अपना झंडा लहराया, तो आज हम उनके करोड़ों बच्चे इस देश में सभी चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो मैं चाहता हूं, मुझे सख्त आदेश दिए, उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने राज की तरफ सोचिए। बेगमपुरा राज कब आएगा? क्या किसी अकेले के संघर्ष करने से आ जाएगा? ये जो नौजवान बैठे हैं, माता बहने बैठी है, बेगमपुरा राज चाहते हो नहीं चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ जो बेगमपुरा राज चाहते हैं। तो बेगमपुरा राज कब आएगा? जब आप बेगमपुरा राज को तक पहुंचने का जो रास्ता आज हमारे गुरु जी बता रहे हैं, हमारे महापुरुष बता रहे हैं, आप उसे फॉलो करोगे, उस पर चलोगे, अगर आप उस पर चलोगे तो हम बहुत जल्द जो है अपने राज की तरफ बढ़ेंगे। और मालिक में और नौकर में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। मालिक वो है जो काम लेता है और नौकर वो है जो काम करता है। और मालिक और नौकर में सोच का फर्क है। जो नौकर बनना चाहता है वो नौकर बनेगा, नौकरी चाहे किसी की भी हो, और जो मालिक बनना चाहता है वो अपना काम करेगा, मालिक बनेगा। तो मैं गुरु घर में खड़े होकर ये कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि साहब काशीराम का सपना पूरा हो, बाबा साहब का सपना पूरा हो, सतगुरु जी रविदास जी महाराज का सपना पूरा हो, और उसके लिए एक नहीं लाखों बलिदान चले जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। ओम के सहित संत रामानंद जी ने रविदास जी का झंडा फहराने के लिए विदेशों में अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्या हम उनका बलिदान भूल चुके हैं? क्या उनका बलिदान बेकार चला जाएगा? क्या रविदास जी का उनका इतिहास मिट जाएगा? तो बाबा साहब ने कहा कि जिस कौम का इतिहास मिट जाता है, जिस कौम का इतिहास उनकी नौजवान पीढ़ी नहीं जानती है, नहीं पढ़ती है, उस कौम का इतिहास मिट जाता है। तो नौजवान पीढ़ी बुराइयां छोड़े, शराब,
तंबाकू, गुटखा, बुराइयां, दहेज, ये जो विभिन्न तरह की बुराइयां दूसरों से सीख रहे हैं, इनको छोड़े और अपने संतों महापुरुषों का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपनी माता बहनों का जिनकी कोख से आप लोग पैदा होते हैं उनका सम्मान करें। दूसरे की तरह उनको अपमानित ना होने दें, किसी भी बहन का अपमान ना करें, किसी भी माँ का अपमान ना करें कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में बुराइयां लोगों तक पहुंचे। पहले ही लोग हमें गलत कहते हैं, बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अगर आज भी इस सदी में हम लोग राज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, एकजुट नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां है। मैं कहना चाहता हूं, सतगुरु जी मौजूद है, हमारे संत महापुरुष मौजूद है, कि पूरी ईमानदारी से जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में रहेगा, आखिरी सांस रहेंगे, रविदास या मोहन का झंडा डंडा बुलंद करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। और पूरी ईमानदारी से गर्दन फट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं। समाज का सम्मान, स्वाभिमान, यहाँ संकल्प लेता हूँ संविधान का भी जिंदा रखा जाएगा और राज्य के सपने को आगे बढ़ा के हरियाणा यानी पूरे देश में बहुजनों का राज लेके आने का प्रयास किया जाएगा, बहुजन समाज को एकजुट किया जाएगा। आप लोगों से आशीर्वाद और प्रेम की और समर्थन की अभिलाषा रखता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप समय दिया। फिर आपसे मुलाकात होगी आपके गाँव में, आपके कस्बों में, आपके जिलों में, आपके शहरों में, आपके प्रदेशों में। लेकिन पूरे उम्मीद करता हूँ कि ये जो आने वाली पीढ़ी है ये गुलामी स्वीकार नहीं करेगी, ये रविदास के कौम के झंडे को बहुत ऊपर लेके जाएगी। लेके जाओगे नहीं जाओगे, सतगुरु जी का नाम अमर रहेगा नहीं रहेगा, वो पहले से है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको बाबा साहब साहब का आशीर्वाद वापस दिए जाएंगे, हर घर में बाबा साहब और साहब का आशीर्वाद पढ़ा के पैदा करो, बहुत अच्छी शिक्षा दो, उसे खिलाओ पिलाओ, बुराइयों से बच के अपने गुरु घरों में, अपने आश्रमों में, अपने महापुरुषों की संगत में आओ, वहां से अच्छी बातें, अच्छी चीजें ग्रहण करो और उनका आगे अपने परिवार में उनका प्रचार प्रसार करो। मेरी आप सब लोग यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत मंगल कामनाएं, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो नरक है श्री रविदास महाराज की, बोले